जो मैं रेसिपी आज शेयर करने जा रही हूँ ये है ऑरेंज जैम। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी, बड़ा इजी है घर पे बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले आपने सारे ऑरेंज धो लेने हैं, आपने अच्छी तरह वॉश करके सबके छिलके उतारने। बहुत इजी है घर पे बनाना, आप लोग घर पे बनाएं। अच्छा, इसका बनाने का ये मैं आपको दो तीन उतार के दिखा देती हूँ, बाकी फिर मैं आपको बताती हूँ। इसका ये आपने अंदर से पल्प निकालना है आपने, ये इस तरह, ये देखिए मैं आपको इधर दिखा करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपने 300 ग्राम आपने ये वाला पल्प लेना है, ये वाला, ये आपने उतार के ये फेंक देना है, ये जो फालतू ये है। बिल्कुल आपने पल्प लेना है, ये देखिए इसकी गुठली भी निकल जाएगी, और साथ ये वाला ये पल्प आपने लेना है, ये वाला। बाकी आपने ये उतार देना है, ये जो ये छिलके हैं ना, ये वाले, ये आपने उतार देने हैं। सिर्फ अंदर से आपने पल्प लेना है, ये आपने उतार देने हैं। इस तरह आपने पूरा 300 ग्राम पल्प लेना है। दूसरा आपने इसके जो ये छिलके हैं, ये आप देखें ऑरेंज के छिलके हैं, इनका ये वाइट वाला आपने रिमूव कर देना। ये देखिए, ये नीचे से ये साफ निकल आएगा, ये देखिए बिल्कुल ये वाइट वाला आपने करके। तो आपने इन्हें सबको बिल्कुल बारीक बारीक, जैसे होता है ना, आपने देखा होगा ऑरेंज जैसे सूखा होता है, कटा होता है, ये आपने सारा इस तरह तीन चार एक एक ऑरेंज के छिलकों का आपने हल्का हल्का बारीक बारीक काट लेना है। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ व्यूअर्स, ये पल्प तैयार हो चुका है, ये मैंने सारे ऑरेंज से निकाल लिए। अब आपने इसे जिस पॉट में आपने बनाना है उसमें डालें। ये मेरे पास एक कप ऑरेंज जूस है, ये मैंने फ्रेश अभी निकाला है, और साथ मैंने ये ऑरेंज के छिलके अंदर से साफ करके आपने एक ऑरेंज के छिलके आपने इसमें शामिल करने हैं, और इसे मीडियम आंच पे आपने पकने के लिए रख देना। इसमें मैं शुगर शामिल करती हूँ 150 ग्राम, और एक टेबलस्पून लेमन जूस, ये भी इसमें डाल के तो इसे पकने के लिए रख देते हैं। 150 ग्राम चीनी भी आपने इसी में शामिल कर देनी है, और इसे पकने के लिए मीडियम आंच पे रख देंगे। व्यूअर्स, कितना अच्छा सा हमारा जो है तैयार हो रहा है। अब आपने इसमें एक टेबलस्पून लेमन जूस शामिल कर दें, एक टेबलस्पून लेमन जूस। अब आप इसे बस अच्छा सा बना लें, ये तैयार होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें व्यूअर्स, हमारा जैम बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है, और इसकी निशानी यह है कि इसकी फुटकियाँ सी उड़ने लग जाती हैं, और देखें बबल भी बन रहे हैं। तो वैसे भी इसने ठंडा होने के बाद थोड़ा सा वैसे भी सख्त हो जाना, तो आप इस तरह करें कि इसे आप चूल्हे को बंद कर, इस तरह इसी यानी कि स्टेज पे चूल्हे को बंद करके इसे थोड़ा देर ठंडा होने दें, फिर आप इसे बोतल में या जार में शिफ्ट कीजिएगा। चलें ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखें व्यूअर्स, जैम ठंडा हो चुका है, और देखिए कितना मज़े का तैयार हुआ है। ये देखिए, हमने टेस्ट करके देखा है, बहुत ही अच्छा मज़े का बना है। अब आप किसी भी जार में जिसमें आपने रखना है उसमें डाल के बंद करके रख दें। ये काफ़ी दिन भी ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में रखेंगे तो काफ़ी देर चलेगा। तरफ से अल्लाह हाफिज़।